वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आदि पुरुष की डे 6 की यानी कि गाइस आज की वेडनेसडे की एडवांस बुकिंग कलेक्शन आ चुकी है। सबसे पहले मैं आपको एडवांस बुकिंग कलेक्शन बताऊंगा, उसके बाद सारी बातें। तो बताने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे अपडेटेड वीडियो में आपको ला कर देता रहूं। तो आइए जानते हैं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको हिंदी 3D का बताऊंगा। तो 1.2 करोड़ रुपीज की एडवांस बुकिंग। यस गाइस, हिंदी से अभी भी करोड़ में एडवांस बुकिंग चल रही है, लेकिन क्वेश्चन ये है कब तक। यस, हिंदी 3D 1.2 करोड़ एडवांस बुकिंग, लगभग 30,000 टिकट से सोल्ड आउट। हिंदी 2D 15 लाख की एडवांस बुकिंग, 8,000 टिकट सोल्ड आउट। तेलुगु 3D 1 करोड़ की एडवांस बुकिंग, लगभग 29,000 टिकट सोल्ड आउट। तेलुगु 2D 10 लाख की एडवांस बुकिंग, 7,000 टिकट सोल्ड आउट। तमिल 3D 3 लाख की एडवांस बुकिंग, 1900 टिकट सोल्ड आउट। तमिल 2D 90,000, मतलब 1 लाख भी नहीं हुई तमिल 2D में। 90,000 की एडवांस बुकिंग, लगभग 400 टिकट सोल्ड आउट। कनाडा 3D 2.5 लाख की एडवांस बुकिंग, 1400 टिकट सोल्ड आउट। कनाडा 2D 45,000 की एडवांस बुकिंग, 300 टिकट सोल्ड आउट। मलयालम 3D 1 लाख की एडवांस बुकिंग, लगभग 500 टिकट सोल्ड आउट। मलयालम 2D 1500 की एडवांस बुकिंग एंड 8 टिकट सोल्ड आउट। अब अगर मैं इसको टोटल करता हूं तो गाइस ये कहीं ना कहीं बनता है 2.98 करोड़ रुपीज। और गाइस कल अगर मैं ट्यूजडे की बताऊं तो वो हुई थी लगभग 4 करोड़ रुपए की, मतलब कि 1 करोड़ एडवांस बुकिंग में और डिप आ चुका है। और अगर मैं मंडे की आपको बताऊं तो वो हुई थी 6 करोड़, मतलब 6 करोड़, 4 करोड़ एंड 2.98, मतलब 3 करोड़। तो मतलब आप देख सकते हैं कि जो एडवांस बुकिंग भी है वो डाउन करोड़ में हो रही है। पहले मंडे में आया 6 करोड़, अगले दिन आया 4 करोड़, 2 करोड़ का गैप, 2 करोड़ का डिप, और आज गाइस आया 2.98, 3 करोड़, 1 करोड़ का डिप। मतलब एडवांस बुकिंग में भी करोड़ का डिप आ रहा है। अब गाइस ये करोड़ का डिप बिल्कुल भी ठीक नहीं होता स्टार्टिंग के वीक में या स्टार्टिंग के डेज में, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज में पॉजिटिव मूवी की जिसके पॉजिटिव रिव्यूज आए तो उसकी, लेट सपोज मंडे को अगर 6 करोड़ की एडवांस बुकिंग आई है तो ट्यूजडे को आ जाएगी 5.50 करोड़ रुपए, वेडनेसडे को आ जाएगी 5 करोड़ रुपए, इस तरह से वो डाउन होती है। लेकिन ऑफ कोर्स अब आदि पुरुष के रिव्यूज भी नेगेटिव थे, अब उन रिव्यूज के गाइस जो इंपैक्ट था ना वो पहले 3 दिन तो नहीं पड़ा, मतलब के फ्राइडे सैटरडे संडे, अब आके पड़ रहा है। और अब आके इतना ज्यादा पड़ रहा है गाइस, आप और मैं सोच भी नहीं सकते कि ये आदि पुरुष को किस तरफ लेकर जा रहा है। ये गाइस इतनी डाउन कलेक्शन कर रहा है, खुद सोचिए कि डे बाय डे 1 करोड़ से ज्यादा की एडवांस बुकिंग कम हो रही है। मतलब आज वेडनेसडे है, अगले वेडनेसडे को क्या होगा। अगले वेडनेसडे को तो आदि पुरुष अगर या तो चल ही नहीं रही होगी, अगर चल भी रही हुई तो गाइस इसकी जो मतलब कि एडवांस बुकिंग है वो लैक्स में आ रही होगी। और एक ऐसी फिल्म जिसका बजट ही 500-600 करोड़ है, उस फिल्म की मतलब सेकेंड वीक में एडवांस बुकिंग लैक्स में आ रही है, तो मतलब फिल्म में कोई ना कोई गाइस इशू जरूर है। या तो ऑडियंस थिएटर में नहीं जा रही या शोज नहीं है, तो ऑफ कोर्स एंड पे रिजल्ट ये है कि ऑडियंस थिएटर नहीं जा रही। बाकी गाइस आप इस बारे में क्या कहते हैं नीचे बताइएगा। आप तो खैर दोस्तों ज्यादा ऑडियंस की जो थिंकिंग थी वो मींस की, चाहे वो प्रभास के फैंस हैं या नहीं है, वो उठ के जा चुके हैं सालार के ऊपर। हर तरफ सालार ट्विटर के ऊपर ट्रेंड, लगभग 1 लाख बंदे अभी से सालार को ट्रेंड करा रहे हैं, बुक माय शो बढ़ रहे हैं, मतलब सबकी कॉन्सेंट्रेशन उठ के गाइस सालार की तरफ चली गई है। तो जब भी आपकी कॉन्सेंट्रेशन उठ के एक मूवी से दूसरी मूवी की तरफ चली जाती है तो जो मूवी चल रही होती है उसको कोई पूछता ही नहीं, उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डाउन चली जाती है। लेकिन मैं फिर इतना जरूर बोलूंगा कि प्रभास के जो फैंस हैं, डाई हार्ड फैंस हैं, उनको चाहिए कि वो 500 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन एटलीस्ट जरूर करें। ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलाएं, जितने भी प्रभास फैंस हैं उन्होंने एक बार फिर आदि पुरुष देखनी है। ऑफ कोर्स प्रभास के फैंस जाएंगे वो एक बार और आदि पुरुष देखें, जितने भी फैंस हैं ऑफ कोर्स उनके ट्विटर के ऊपर जो पेज हैं उनके ही लाखों फॉलोअर्स हैं, तो अगर उनमें से कुछ भी जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं 500 करोड़ ग्रॉस ईजिली कर सकती है। बाकी क्या प्लानिंग है मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये एडवांस बुकिंग जिस तरीके से डाउन हो रही है ये बिल्कुल भी नहीं सही, ऐसे लग रहा है कि जल्द आदि पुरुष खत्म हो जाएगी। बाकी आप इस बारे में क्या कहते हैं नीचे बताइएगा। अभी तक लिए इतना ही, पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो, रख दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।